आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंशन न्यूबॉर्न केयर। असेंशन न्यूबॉर्न केयर जो है वो आपका थर्ड यूनिट है। तो थर्ड यूनिट में असेंशन न्यूबॉर्न केयर जो है उसका मतलब ये होता है कि न्यूबॉर्न जो है जैसे पैदा होते हैं, बेबी का बर्थ होते कौन कौन सा केयर जो है हमें देना है, जो कि बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई असेंशियल वर्ड इज़ यूज इन देयर। सो असेंशन न्यूबॉर्न केयर इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज़ इमीडिएट केयर एंड दूसरा जो है वो रूटीन केयर है। तो इमीडिएट केयर का मतलब क्या होता है? इमीडिएट मतलब कि उसी वक्त जैसा बर्थ हो जाएगा, जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है तो सबसे पहला केयर हमने क्या देना है, सबसे पहले हमने उसका TABC ये चीज़ जो है हमने उसका केयर देना है। सबसे पहले तो क्या करना है, नॉर्मली बेबी पैदा होते उसको सबसे पहले वाइप कर देना है, जितने भी म्यूकस वगैरह हो गया जो भी है, तो वो सारा जो है वो पूरा ब्लड वगैरह जो है पूरा वाइप करना है। वाइप करने के बाद जो वेट क्लोथ जो है या वेट लिनन जो है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने चेंज करना है कि ड्राई क्लोथ में। और उसके बाद सबसे पहले हमने अश्योर करना है कि बेबी का जो टेम्परेचर जो है उसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, ना कि ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ताकि क्या है कि बेबी जो है जैसा पैदा होता है सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके जितने भी बॉडी में जितने भी ब्लड वगैरह म्यूकस वगैरह जो लगा होगा सबसे पहले उसको हमने जल्दी जल्दी वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद उसके बाद ये जो वेट लिनन होगा या वेट क्लोथ जो होगा उसको हमने चेंज कर देना है। उसके बाद ड्राई क्लोथ जो है उसे हमने उसको बेबी को रैप कर देना है। रैप करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि यहाँ पे एयरवे जो है उसका हमने देखना है कि बेबी का जो एयरवे जो है, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ए स्टैंड्स फॉर एयरवे। तो एयरवे में हमने ये देखना है कि बेबी का पहले नाक से पहले हमने माउथ जो है उसका सक्शन करना है ताकि कोई भी वहाँ पे कुछ भी ऐसा फ्लूइड वगैरह जो है या ब्लड वगैरह जो है वूम से वहाँ से कुछ ना हो, जिसके वजह से चोकिंग जो है या फिर बेबी का जो ये जो ट्रैकिया वगैरह जो है सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, दैट इज़ द रीज़न। सबसे पहले हमने क्या करना है, सक्शन करना है माउथ का, देन नोज़ का, अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रैकिया तक का हमने उसका वो करना है, क्या कहते हैं, सक्शन करना है, ताकि एयरवे मतलब एयर का जो रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमें क्या इंश्योर करना है, ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्रीदिंग जो है हम लोग अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ब्रीदिंग देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेशन कैसा है, बॉडी टेम्परेचर जैसा, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं। तो दिस इज़ द असेंशियल मतलब कि इमीडिएट केयर में हमने TABC जो है हमने ये देखना है अच्छे तरीके से। इसको हम लोग रिससिटेशन के टाइम में भी हम देखते हैं, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो फिर इसमें क्या है कि हमने पहले क्या करना है, इसमें हमने टेम्परेचर जो है वो देखना है। उसके बाद क्या है कि उसको बेबी जो है उसको हमने अच्छे तरीके से टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना है, म्यूकस वगैरह ब्लड वगैरह वाइप अप करके ड्राई क्लोथ में हमने उसको ट्रांसफर करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इमीडिएट केयर। और रूटीन केयर में ये सारे रूटीन केयर मतलब कि एवरीडे जो है बेबी का बर्थ होने के बाद एवरीडे केयर कैसे लेना है, जब तक बेबी जो है हॉस्पिटल में है। तो सबसे पहले वार्म्थ, हर जगह वार्म्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट से जो है बेबी जो है वहाँ से आता है जहाँ पे एक होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं, लेकिन जैसे हम दूसरे एनवायरनमेंट एक्सपोजर होती है तो ये जो टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर टेम्परेचर जो है वो हमें उसको मेनटेन करके रखें ताकि बेबी जो है उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दैट इज़ द रीज़न सबसे पहले वार्म्थ कैसे करेंगे, वेट लिनन वगैरह जो है या फिर वेट क्लोथ्स वगैरह, वट एवर द वेट थिंग्स आर, वी हैव टू शेड इट ऑफ एंड वी हैव टू यूज़ द ड्राई क्लोथ्स सो दैट द बेबीज बॉडी इज वार्म्थ। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में EBF एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। उसके जो मम्मी जो होंगे, उसके जो मदर जो होंगे, उनको हमें ये समझाना है कि बेबी का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ओनली ब्रेस्ट फीड करवाना है, कोई भी अलग से गाय का दूध या फिर कोई भी एनिमल का जो मिल्क होता है वो नहीं पिलाना है, या फिर कोई भी बॉटल मिल्क जो होती है वो नहीं पिलाना है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करना है। अनलेस देर इज़ सम कंडीशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जहाँ पे मदर का जो मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अलग बात है, वो अलग कंडीशन है, कंडीशंस अप्लाइड में आते हैं। लेकिन अगर ऐसा नॉर्मल कंडीशन है तो फिर उसमें क्या है कि ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तब कब तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन CHN। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डन फॉर
6 months ओनली, 6 महीने के बाद क्या है बेबी को क्या है बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जो खाने होते हैं वो खिला सकते हैं, पानी वगैरह जो पिलाना वगैरह जो होता है वो 6 महीने के बाद, लेकिन 6 महीने तक ओनली माँ का जो मिल्क होता है वही पिलाना है। ओके, उसके बाद है स्किन केयर एंड बेबी बर्थ। स्किन केयर में इसमें आता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है बेबी का, तो वो क्या होता है नेवल से, मतलब कि नेवल से 2-3 inches अवे, मतलब कि जो नाभि जो होता है वहाँ से 2-3 inches छोड़ के ही उसमें कट लगाना होता है। कट लगाने के बाद उसको एसेप्टिक तरीके से उसको क्या करना है टाई कर देना है, वहाँ पे कोई भी बैंडेजिंग नहीं करना है, जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वहाँ पे कट करने के बाद वहाँ पे कोई बैंडेजिंग नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से एसेप्टिक वे से उसको अच्छी तरीके से उसको टाई अप कर देना है। टाई अप करने के बाद वहाँ पे उसका केयर लेना है, एवरीडे केयर लेना है, और जब तक बेबी जो है जब तक हॉस्पिटल में नहलाना बिल्कुल भी नहीं है, बेबी को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है, बैता होते बिल्कुल भी नहीं नहलाना है उनको, क्योंकि क्या हो गया हाइपोथर्मिया हो सकता है, सो दैट इज़ द रीज़न कि हाइपोथर्मिया ना हो इसीलिए बिल्कुल नहीं नहलाना है जब तक हॉस्पिटल्स में है। और इसके बाद क्या कहते हैं बेबी बाथ बिल्कुल भी नहीं करवाना है, हाँ एक बार डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद करवाना है, फिर ऑयल मसाज जो है वो करना है, और जो जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हम काटा है तो उसमें क्या करना है कि वी हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट सो दैट देयर इज़ नो फर्दर इन्फेक्शन इन दैट, तो देयर इज़ अ रीज़न। और इसके बाद है केयर ऑफ आइस। आइस का जो केयर कैसे करना है, जो नॉर्मली कॉटन्स जो होती है सॉफ्ट कॉटन्स जो होती है वो उसको हमने बहुत स्टेराइल तरीके से हमने बेबी के आँख जो है उसको वाइप ऑफ कर देना है, जो कॉटन बर्ड या फिर जो भी गॉस पीस वगैरह, गॉस पीस विल बी वेरी हार्श, वी हैव टू यूज़ सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल्स, सो कॉटन जो है वन आइस में ओनली वन कॉटन का जो बॉल्स होते हैं वही यूज़ करना है, वो दूसरे आइस में नहीं, तो वन कॉटन बॉल फॉर इच आइस। तो उसमें क्या करना है कि अच्छी तरीके से वाइप ऑफ कर देना है, और उसके बाद वहाँ पे देखना है कि कोई अलग से कुछ आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, आइस में आइस येलो है कि नहीं, तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, एग्जामिन करना है आइस में, और ऐसा कुछ ऐसा पार्टिकल्स तो है नहीं या फिर कोई भी म्यूकस वगैरह जो है आईलिड्स में लगे हैं कि नहीं, तो वो सारा जो चीज़ें हमने चेक करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे क्लोदिंग ऑफ बेबी। बेबी का जो क्लोदिंग जो होता है सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बहुत सॉफ्ट मटेरियल के जो कपड़े होते हैं वही लेना है, प्लास्टिक मटेरियल वाला कपड़ा नहीं लेना है, कोई भी फैंसी फूल सितारे वगैरह ये लगे हो वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्टार्स बड़े बड़े बटन्स वाले फ्लावर्स वाले वैसे बिल्कुल भी नहीं लेना, एटलीस्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बटन वगैरह नहीं लेना है, बटन वाले इसलिए नहीं लेना है बिकॉज बटन जो है अगर गलती से अगर वो टूट के अगर बेबी के हाथ में आ गया तो वो क्या कर सकते हैं खा सकते हैं, जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इसोफेगस में, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, देयर इज़ अ रीज़न चोकिंग हो सकता है, बटन वाला कोई भी कपड़ा जो है वो बेबी को न्यूबॉर्न बेबी स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए नहीं लेना है। और उसके बाद क्या है बहुत सॉफ्ट मटेरियल वाला जो कपड़े होते हैं वही लेना है, और विंटर्स में वुलन के क्लोथ्स जो है वो उसको यूज़ करना है, और जो भी क्लोथ्स है वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह हो गया या फिर ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है जिसकी वजह से रैशेस वगैरह हो जाए, क्योंकि बेबीज़ की जो स्किन जो दे आर वेरी डेलिकेट एट बर्थ, सो दैट इज़ द रीज़न। जनरल केयर, जनरल केयर में क्या आता है, जनरल केयर में नॉर्मली ये देखना है कि बेबी का ये जो खाना पी जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये देखना है कि बेबी का बाथ वगैरह जो हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ा था जनरल केयर में वो सब चीज़ देखना है, उसके बाद ये देखना है कि हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, और उसके बाद मदर के साथ हमेशा क्या करना है कि जनरल केयर में बेबी जो है वो हमेशा मदर के साथ ही उनको रखना है, मदर से उनको दूर नहीं रखना है अनटिल अनलेस बेबी जो है वो आईसीयू में नहीं, न्यूनेटल जो आईसीयू होते हैं वहाँ पे नहीं एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन में नहीं एडमिट है अनटिल अनलेस देयर कंडीशंस। सो इसमें क्या करना है कि मदर के साथ ही रखना, अगर हॉस्पिटल में है तो मदर के साथ ही रखना है, या फिर घर पे है तब भी बेबी जो आप मदर के साथ ही रखना है, और इसके बाद क्या है कि बेबी का जो सुपाइन पोजीशंस वगैरह में उनको हमेशा सुलाना है, और उनके इर्द गिर्द जो है वहाँ पे क्या कहते हैं कि
ये जो पिलोस वगैरह है उससे अच्छी तरीके से हमने वहाँ पे रख देना है, ताकि बेबी जो है वो गलती से भी बेड से ना गिर जाए, उसके वजह से यहाँ पे कहीं पे हैमरेज ना हो जाए। तो ये सारे जो है नॉर्मली जनरल केयर में आता है। नेल्स वगैरह जो है वो देखना है कि अच्छी तरीके से साफ़ वगैरह करना है। और इसके बाद ये जो म्यूकोनियम जो होता है बेबी का फर्स्ट स्टूल जो पास होता है, म्यूकोनियम जिसको बोलते हैं, उसको अच्छी तरीके से वाइप ऑफ कर देना है। डायपर्स वगैरह अगर वेट है तो फिर उसको चेंज कर देना है। मतलब इतना है कि बेबी को गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमने चेंज करना है। और ज़्यादा डायपर्स जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है रैशेस पैदा हो सकता है। सो कोशिश करना है कि जब बाहर जाए, घर से बाहर जाए, तभी डायपर्स यूज़ करें। अगर घर पे ही बच्चा है या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे होम फ्रेंडली वाला होम एनवायरनमेंट वाला अगर घर एनवायरनमेंट है, तो फिर उसमें क्या करना है कि डायपर्स यूज़ ना करें ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या है कि वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्या है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोज नहीं होगा एनवायरनमेंट में, अगर खुला नहीं रखेंगे ज़्यादा, तो फिर क्या होता है कि बेबी का अगर वेट हो गया, पता नहीं होगा डायपर में, तो फिर क्या होता है उससे इन्फेक्शन तो फैलेगा फैलेगा, साथ ही स्किन कंडीशंस वहाँ पे आ सकती है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि नॉर्मली घर पे रहें तो फिर नॉर्मली जो है नॉर्मल कपड़े जो है वो पहना, डायपर्स जो है उसको ज़्यादा अवॉइड करें अनटिल अनलेस आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो। और इसके बाद है कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने ये देखना है कि कोई भी एग्जामिन करना है, स्टूल एग्जामिन करना है, यूरिन एग्जामिन करना है उनका बच्चे का, और उसके बाद ये देखना है ब्रीदिंग पैटर्न देखना है, सर्कुलेशन वगैरह देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिन करना है, और बेबी के जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमने काटा था उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिन करना है। उसके बाद है वेट रिकॉर्डिंग। वेट रिकॉर्डिंग में हम सबको पता है कि 2.5 किलो जो है ये है नॉर्मल, 2.5 के अगर बिलो हो गया तो बेबी जो है वो मेल नरिश्ड है, अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो 2.5 है तो बेबी जो है हेल्दी है, लेकिन 2.5 से नीचे है तो बेबी जो है, दिस इज 2.5 इज़ अ बॉर्डर लाइन फॉर बेबी का जो बर्थ वेट जो होता है। ओके, वेट रिकॉर्डिंग में क्या देखना, एवरी डे बच्चे का 30 ग्राम जो है वो बढ़ना चाहिए रोज़ जो है 30 ग्राम जो है, जैसे 2.5 किलो है तो अगले दिन जो है 30 ग्राम बढ़ना चाहिए। तो एवरी डे जो है 30 ग्राम जो है बेबी का वेट जो है बढ़ना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 महीने में 4 से 5 किलो तक हो जाते हैं, तो डबल द वेट हो जाते हैं। सो वेट रिकॉर्डिंग में हमने ये देखना है एवरी डे बच्चा जो है 30 ग्राम जो है गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम सबको पता है कि जैसा बेबी का डिलीवरी हो जाए, एट बर्थ BCG और उसके बाद OPV जो है हमने एडमिनिस्टर करना है, तो इम्यूनाइजेशन करना है उन सबका बच्चों का, ताकि क्या है कि कोई भी अगर बाहर से कोई भी ऐसा कोई भी बीमारी ना हो। और उसके बाद है फॉलोअप एंड एडवाइस। फॉलोअप एंड एडवाइस में इनको यही बताना है मदर्स को घर भेजने से पहले कि बेबी का केयर कैसे लेना है। और उसके बाद टाइम टू टाइम, जैसे 3 महीने में एक, मतलब हर महीना एक बार चेकअप के लिए ज़रूर आना है। बच्चे का वेट चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये देखें, मॉनिटर कर पाए कि बेबी का वेट जो है वो मेंटेन है कि नहीं है, अंडर नरिश्ड है कि नहीं है, तो वो सारा जो चीज़ें जो है। और साथ ही साथ जो है मदर जो है, मदर का स्टेट जो है वो कैसा है, सही है कि नहीं है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह जो है वो सही है कि नहीं, तो वो सारा चीज़ें जो है वो हम महीने में एक बार जो है रूटीन चेकअप के लिए, फॉलोअप केयर के लिए आए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। जब बेबी जो है पैदा जब हो जाता है, तब कौन कौन सा केयर लेना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ कौन कौन सा एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।